एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर.के. नारायण की बहुत ही फेमस नॉवेल द गाइड को। फ्रेंड्स, इस टॉपिक पे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जो इसका इंग्लिश वर्जन है। और आज इस वीडियो को हम हिंदी में समझेंगे। और एक चीज़ फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप इस नॉवेल को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो आप इसका इंग्लिश वर्जन जो मैंने इसका लिंक मैंने दिया है उसको भी आप ज़रूर देखें। अगर आप दोनों वीडियो देखते हैं तो आपको ये नॉवेल बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। ये नॉवेल द गाइड आर.के. नारायण की बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर नॉवेल है। 1958 में ये पब्लिश हुई थी और इस नॉवल के लिए आर.के. नारायण को 1960 में साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था। अब बात करते हैं नॉवल की सेटिंग की। सो आर.के. नारायण के बहुत से वर्क्स की तरह, बहुत सी नॉवेल्स की तरह ये नॉवल भी मालगुड़ी पर बेस्ड है। मींस इसकी सेटिंग भी मालगुड़ी में रखी गई है। मालगुड़ी एक फिक्शनल टाउन है साउथ इंडिया का फिक्शनल टाउन है जो मालगुड़ी है, जिसको आर.के. नारायण अपनी बहुत सी नॉवेल्स की सेटिंग के रूप में दिखाते हैं। अब इस नॉवल की मेन कैरेक्टर की बात करें तो इसका मेन कैरेक्टर या प्रोटैगोनिस्ट राजू है और नॉवल उसके ही ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती है कि कैसे राजू एक रेलवे गाइड से एक स्पिरिचुअल गाइड बन जाता है। फ्रेंड्स, ये नॉवल बहुत कंफ्यूजिंग है क्योंकि इसमें राइटर ने पास्ट और प्रेजेंट दोनों को मिक्स करके लिखा है ये नॉवल। कभी कभी हम पास्ट का डिस्क्रिप्शन देखते हैं, कभी कभी प्रेजेंट का। इस तरीके से ये नॉवल जो है बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करता है। बट आज के इस वीडियो में मैं इस नॉवल को बहुत ही ईजी वे में आपको समझाने जा रही हूँ, जिससे ये आपको बहुत ईजिली समझ में आएगी। एक बात और क्लियर कर दूं कि इस नॉवल पर ऑलरेडी एक मूवी बन चुकी है जो बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही सुपरहिट मूवी रही थी, जिसमें मेन रोल प्ले किया था देव आनंद और वहीदा रहमान ने। सो अब बात कर लेते हैं नॉवल के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स की। सो इस नॉवल का मेन कैरेक्टर या प्रोटैगोनिस्ट राजू है, जिसके ट्रांसफॉर्मेशन को ये नॉवल बहुत अच्छी तरीके से दिखाती है। इसमें राजू हमें बहुत से रोल प्ले करते हुए दिखाई देता है, जैसे कि रेलवे गाइड, देन लवर ऑफ रोजी, देन अ क्रिमिनल, देन अ स्वामी और ए प्रीचर, एंड एट द लास्ट द लवर ऑफ मैनकाइंड। इस नॉवल का दूसरा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है रोजी आर नलिनी। मीन्स वो रोजी उसका नाम है और वो मद्रास से मालगुड़ी आती है अपने हस्बैंड मार्को के साथ। मीन्स रोजी जो है वो मार्को की वाइफ है और जब वो ग्रेट डांसर बन जाती है तो वो अपना नाम चेंज करके नलिनी कर लेती है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है जिसका नाम है वेलन, जो उसको राजू को मंदिर में मिलता है और वो मंगल गाँव का रहने वाला है और वो सबसे पहले राजू को महात्मा समझता है। अब डिस्कस करते हैं नॉवल की समरी। सो नॉवल की स्टार्टिंग राजू के जेल के छूटने के साथ होती है। मींस नॉवल की फर्स्ट सीन में हम देखते हैं कि राजू अभी जेल से छूटकर बाहर आया है। अब जेल से छूटने के बाद राजू एक पुरानी मंदिर में जाता है जो कि सरयू नदी के तट पर बनी हुई है। सर तभी उसके पास मंगल गांव का एक व्यक्ति आता है जिसका नाम वेलन होता है। वेलन अब राजू से बात करता है और राजू को बताता है कि वो यहीं पास के गाँव मंगल का रहने वाला है। अब वेलन जैसे कि बहुत ज़्यादा उदास होता है, बहुत ज़्यादा टेंस होता है, तो राजू उससे पूछता है कि उसकी उदासी का कारण क्या है, वह उदास क्यों है। अब वेलन जो है वो राजू को बताता है कि उसकी एक सौतेली बहन है जो परिवार के द्वारा चुने गए लड़के से शादी करने से मना कर रही है। इस बात की वजह से उसके घर में भी सब बहुत परेशान हैं और वेलन भी बहुत ज़्यादा परेशान है। ये बात सुनने के बाद अब राजू वेलन से कहता है कि तू वो कल अपनी बहन के साथ राजू के पास आए। अब एक चीज़ यहाँ क्लियर कर दूं कि वेलन जो है वो राजू को एक सब कुछ इसलिए बताता है क्योंकि वो राजू को एक साधु या महात्मा समझता है। जैसे कि राजू जब जेल से छूटकर इस मंदिर में आया था तो जेल के पास एक नाई की दुकान होती है, वहाँ पर वो अपनी दाढ़ी बनवाने जाता है राजू। तो जब नाई उसकी दाढ़ी बनाता है तो दाढ़ी बनने के बाद कहता है कि वो अब बिल्कुल महात्मा की तरह दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरह से हमको ये चीज़ क्लियर कर रहा है राइटर कि जब वो मंदिर में आया है तो वेलन उससे सारी बातें क्यों बताता है, कि वेलन भी अब उसको साधु ही समझ रहा है, महात्मा ही समझ रहा है। अब जैसे कि राजू ने वेलन से उसकी बहन को साथ लेकर आने को कहा था, तो अगले दिन क्या होता है कि वेलन अपनी सिस्टर के साथ राजू के पास वहाँ आता है और वो उसके साथ अपने साथ बहुत सा खाने का भी सामान लाता है राजू के लिए। राजू जिसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। अब राजू यहाँ वेलन और उसकी बहन से कहता है कि हर एक प्रॉब्लम का एंड होता है और हर एक प्रॉब्लम्स जो है टाइम के साथ ख़त्म हो जाती है और जो जो लिखा है हमारे भाग्य में वो ज़रूर होता है और उसे कोई बदल नहीं सकता, उसे कोई टाल नहीं सकता। ये सब बातें जब वेलन और उसकी बहन सुनते हैं
हैं तो वो दोनों राजू की बात से संतुष्ट हो जाते हैं और वो उन्हें लगता है कि ये कोई स्वामी जी हैं, कोई महात्मा है जो उन्हें इतनी अच्छी सीख दे रहे हैं। अब एक दिन क्या होता है कि वेलन राजू के पास दोबारा आता है और राजू से कहता है कि चमत्कार हो गया है, उसकी बहन अब परिवार के द्वारा चुने गए लड़के से शादी करने के लिए राजी हो गई है, इसलिए बहुत ज़्यादा सब लोग खुश हैं। अब वेलन राजू को भी शादी में आने के लिए बुलाता है, उसको भी इन्वाइट करता है, बट राजू वहाँ पर शादी में नहीं जाता है। अब वेलन डेली ही राजू के पास आया करता है और राजू से मिलने के लिए अब मंगल गांव के और भी लोग आने लगते हैं। अब राजू ये सोचने लगता है कि वो यहाँ पर रहे कि चला जाए, बट तभी उसे ख्याल आता है कि उसको फ्री का खाना या तो यहाँ पर रहने पे मिलेगा या तो जेल में नसीब होगा। ये सोच करके राजू डिसाइड कर लेता है कि वो यहीं पर रहेगा, वो स्वामी बनकर यहीं पर रहेगा। एक दिन राजू वहाँ पर एक भेड़ चराते हुए लड़के को देखता है और वो उससे कहता है कि वो गाँव में जाकर सबको बता दे कि मंदिर में एक नया पुजारी आ गया है। अब जब ये लड़का सुनता है ये सब बातें तो वो गांव में जाकर के सबको बता देता है कि जो पास का मंदिर है उसमें एक नए पुजारी जी आ गए हैं। अब राजू के पास बहुत से लोग आने लगते हैं, वो राजू के लिए बहुत सी खाने की चीज़ भी लाते हैं। अब राजू क्या करता है, राजू उन्हें धार्मिक उपदेश देता है, उनको मेडिसिन प्रिफर करता है, उनके लड़ाई झगड़े जो होते हैं वो सुलझाता है, दवाइयाँ बताता है, तो इसलिए लोग उससे बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं, बहुत ज़्यादा उसकी प्रशंसा करते हैं। राजू के पास अब बिल्कुल टाइम नहीं होता है, उसके पास अपने लिए कोई भी टाइम नहीं बचता है और अब राजू चाहता है कि वो नॉर्मल लाइफ स्पेंड करे, बट जैसा कि वो अब ये सब कुछ नहीं कर सकता है, लोग उसको स्वामी समझते हैं, महात्मा समझते हैं। सो ये तो हो गई प्रेजेंट की कहानी कि क्या चल रहा है अभी के टाइम में। अब हम ये प्रेजेंट की कहानी हम हाफ स्टोरी जो है बाद में डिस्कस करेंगे। सो पहले हम राजू के पास्ट की कहानी जान लेते हैं कि वो पास्ट में रेलवे गाइड के नाम से क्यों जाना जाता था और उसके जेल जाने की वजह क्या थी। जैसे कि फर्स्ट सीन में ही मैंने देखा है फर्स्ट सीन में कि वो राजू जो है जेल से बाहर आया है, तो अब हम देख लेते हैं कि राजू जेल जाता क्यों है। सो राजू के माता पिता का घर मालगुड़ी के पास था, मीन्स जो मालगुड़ी रेलवे स्टेशन था उसके पास उसके माता पिता का घर था और उसके फादर की वहीं पर एक छोटी सी शॉप थी जिस शॉप में वो राजू भी अपने फादर के साथ काम किया करता था। अब सडनली क्या होता है कि एक दिन राजू के फादर की डेथ हो जाती है और उसकी माँ के कहने पर राजू वो शॉप बंद कर देता है और एक रेलवे गाइड बन जाता है, मीन्स अब राजू एक टूरिस्ट गाइड बन जाता है और वो मालगुड़ी में आने वाले जितने ट्रैवलर्स होते हैं उनके लिए गाइड का काम करता है। राजू की रेपुटेशन एक गाइड के रूप में इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसको रेलवे राजू के नाम से लोग जानने लगते हैं। एक बार मार्को और रोजी जो एक कपल होते हैं वो वहाँ पर आते हैं, वो मद्रास से मालगुड़ी आते हैं और वो राजू को अपना गाइड रख लेते हैं। अब जब राजू उनका गाइड बन चुका है तो होता क्या है कि जो रोजी है, जो उसकी वाइफ है मार्को की रोजी, उसको डांस का बहुत ज़्यादा शौक है, बहुत ही ज़्यादा वो शौकीन है डांस की, तो वो कोबरा डांस देखना चाहती है जो कि मार्को देखने से मना कर देता है। मार्को कहता है कि वो उसको डांस सिखाने नहीं जाएगा, वो अपनी जगह पर राजू को रोजी के साथ भेज देता है। अब रोजी राजू के साथ जाती है डांस देखने, अब जब वो कोबरा का डांस देखती है तो जब कोबरा डांस करना स्टार्ट करता है वैसे ही रोजी भी उसके साथ ही डांस करना स्टार्ट कर देती है। अब राजू को पता चल जाता है कि ये तो बहुत ही अच्छी डांसर है, जबकि मार्को की नज़र में डांस बहुत ही बुरी चीज़ है और वो कभी भी नहीं चाहता कि रोजी एक डांसर बने। सो अब होता क्या है कि राजू जो कि मार्को और रोजी का गाइड होता है, रेलवे गाइड होता है, अब वो उनके घर का सारा काम भी करने लगता है, वो रोजी के साथ मिलकर घर का सारा काम करता है और इस तरह से राजू और रोजी एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब जाते हैं। रोजी अब राजू के साथ मिलकर डांस की प्रैक्टिस भी करती है और वो राजू को ये चीज़ बताती है कि वो बहुत ही अच्छी डांसर बनना चाहती है, बट उसका जो हस्बैंड है मार्को वो कभी भी नहीं चाहता कि रोजी एक डांसर बने, वो उसके लिए उसे कभी अलाउ नहीं करेगा, परमिशन नहीं देगा। अब एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि मार्को, जैसे कि मार्को यहाँ पर मालगुड़ी आया है वो यहाँ पर पेंटिंग्स देखने के लिए आया है, वो एंशियंट पेंटिंग जो होती हैं, एंशियंट पेंटिंग्स होती हैं, केव पेंटिंग्स होती हैं और टेम्पल वॉल्स पेंटिंग होती है, वो उनको देखने के लिए वहाँ पर मालगुड़ी आया है। मार्को अक्सर ही इन सब चीज़ों में बिजी हो जाता है और उसी टाइम में रोजी राजू के साथ डांस की प्रैक्टिस किया करती थी। अब एक दिन क्या होता है कि राजू रोजी को इंसिस्ट करता है कि वो अपने पति मार्को से डांस की परमिशन ले ले। अब दो दिन बाद राजू दोबारा मार्को और रोजी से मिलने उनके होटल में जाता है
जब यहाँ पर राजू आता है तो वो देखता है कि मार्को जो है वो अकेला ही रोजी को छोड़कर मद्रास जा रहा है, मींस मार्को मद्रास जा रहा है और वो रोजी को अपने साथ लेकर नहीं जा रहा है। अब राजू जो है वो मार्को से पूछता है कि वो रोजी को साथ लेकर क्यों नहीं जा रहा है, तो मार्को कहता है कि ये उसकी फैमिली का मैटर नहीं है, ये उसका खुद का मैटर है, इसमें राजू को नहीं इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर राजू अब ये चीज़ रोजी से पूछने जाता है तो रोजी भी कह देती है कि वो यहाँ वहाँ से चला जाए। अब राजू को बहुत बुरा लगता है कि रोजी ने इसको जाने को कह दिया, तो राजू वहाँ से चला आता है और आ करके फिर से वो गाइड का काम करने लगता है और अपने काम में फिर से वो बिज़ी हो जाता है। अब एक मंथ के बाद मींस एक महीने के बाद रोजी राजू के घर आती है और राजू को सब कुछ बताती है कि उस दिन एक्चुअल में हुआ क्या था। एक्चुअली उस दिन जब रोजी ने मार्को से डांस करने की परमिशन ली थी तो मार्को ने बिल्कुल उसे मना कर दिया था, और जब रोजी ने बताया था कि वो राजू के साथ डांस की प्रैक्टिस करती थी तो इस बात पे मार्को को बहुत ही गुस्सा आया था और झगड़ा बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था, और मार्को ने कह दिया था कि वो अब रोजी को अपने साथ लेकर मद्रास नहीं जाएगा। इस तरह से वो मार्को अकेला ही मद्रास चला जाता है। अब राजू रोजी से कहता है कि वो एक दिन बहुत ही अच्छी डांसर, ग्रेट डांसर बनेगी। अब रोजी जो होती वो राजू और उसकी माँ के साथ वहाँ पर रहने लगती है, बट धीमे धीमे उसकी माँ को लगता है कि रोजी का यहाँ पर रहना सही नहीं है, उसे अपने हस्बैंड मार्को के पास लौट जाना चाहिए। बट यहाँ पर राजू अपनी मदर को मना कर देता है कि वो रोजी भी उसके साथ यहाँ पर रहेगी। अब ऐसे ही बहुत सी ज़्यादा फैमिली इशूज़ होते हैं और धीमे धीमे राजू के जो मैटरनल अंकल हैं मीन्स उसके मामा वहाँ पर आते हैं और वो भी राजू को बहुत ज़्यादा डांटते हैं इस चीज़ के लिए कि वो रोजी के साथ वहाँ पर रह रहा है। अब इस बात पर राजू अभी भी अपने मैटरनल अंकल की बात भी नहीं सुनता है, तो उसकी जो मदर होती है राजू की वो अपने भाई के साथ मीन्स राजू के मामा के साथ वो घर छोड़कर चली जाती हैं। अब राजू और रोजी उस घर में अकेले रहते हैं, वो एकदम साथ में रहते हैं और पति पत्नी की तरह से वहाँ पर रहने लगते हैं। अब इधर राजू की फाइनेंशियल कंडीशन भी ख़राब हो जाती है, जैसे कि राजू ने रोजी को अपने पास रखा हुआ था तो इसका उसके जॉब पर भी बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है। अब वो राजू चाहता है कि वो रोजी के डांस से पैसे कमाए, इसलिए वो रोजी को एक डांसर बनाने के लिए प्रेरित करता है और उसको एक स्कूल में डांस कराने के लिए भेजता है। अब जब रोजी का डांस स्कूल में होता है तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा सुपरहिट रहता है और रोजी अब धीमे धीमे बहुत अच्छी डांसर बन जाती है और वो अपना नाम चेंज करके नलिनी रख लेती है और अब ग्रेट डांसर बन जाती है। उसके पास बहुत से पॉलिटिकल पार्टी के भी लोग आते थे, उससे लोग मिलने के लिए आया करते थे और उसके पास बहुत सारे वो पैसे कमाती है जिसको कि राजू मैनेज करता है, राजू उसका मैनेजर डांस मैनेजर बन जाता है और वो दोनों साथ मिलके बहुत सारे पैसे कमाते हैं, उनके पास अब पैसे की कोई कमी नहीं होती है। अब इसी बीच मार्को की तरफ से रोजी के लिए एक लेटर आता है जिस लेटर पर रोजी के सिग्नेचर चाहिए थे, जो ज्वेलरी बॉक्स को छुड़ाने के लिए था। अब राजू को जब ये लेटर मिलता है तो वो रोजी को इसे दिखाता नहीं है और वो राजू खुद ही उस पर रोजी के सिग्नेचर कर देता है और उसको वापस भेज देता है और अब वेट करता है कि ज्वेलरी बॉक्स कब आएगा, लेकिन ज्वेलरी बॉक्स कभी आता नहीं है। उल्टा एक दिन जब वो डांस शो देख रहा होता है रोजी का, उसी टाइम वहाँ पर कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं और उसको अरेस्ट कर लेते हैं। वो उसको बताते हैं कि वो फर्जी सिग्नेचर मतलब जाली सिग्नेचर के कंप्लेंट में अरेस्ट हुआ है, जैसे कि ये कंप्लेंट जो है मार्को ने किया है राजू के अगेंस्ट। राजू अब अरेस्ट हो जाता है और वो लॉकअप में रहता है। अब जब वो लॉकअप में रहता है तो उसके बाद रोजी जो है बहुत सारा पैसा इकट्ठा करती है और पैसे दे करके रोजी की राजू की जमानत करवाती है। रोजी अब राजू से कहती है कि वो जेल से जाने से तो राजू को बचा लेगी लेकिन उसके साथ वो कभी नहीं रहेगी। अब राजू को जेल से बचाने के लिए रोजी अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच देती है जिसको वह केस में खर्च करती है। मद्रास से वकीलों को बुलाती है, वकील्स को भी अच्छी सैलरी देती है, बहुत ही अच्छी फीस देती है। अब इस सबके बाद राजू को सज़ा मिलती है सिर्फ 2 महीने की। अब जैसे कि राजू जेल चला गया है और जेल में राजू पता लगवाता है कि रोजी कहाँ है, तो राजू को पता चलता है कि रोजी को अब ना अपने हस्बैंड की ज़रूरत थी और ना ही राजू की। वो अब मद्रास में इंडिपेंडेंट सेटल्ड हो गई है, इंडिपेंडेंटली रह रही है, वो बिल्कुल सेटल हो गई है और अब उसे किसी की ज़रूरत नहीं रह गई थी।
सो ये तो हो गई राजू के पास्ट की कहानी। अब जैसे कि राजू जेल जा चुका है, अब इसके बाद 2 साल पूरे करने के बाद राजू जेल से बाहर आता है और वैलेंस से मिलता है जो राजू को साधु समझता है। तो वो मैंने डिस्कस कर लिया है, अब प्रेजेंट की स्टोरी पर आते हैं। राजू कई महीनों से मंगल गांव में रह रहा था और अब वो नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था, बट वो ऐसा चाह कर के भी नहीं कर सकता था क्योंकि लोग उसको स्वामी मानते थे और मंदिर का पुजारी भी समझते थे और लोग उसको बहुत से गिफ्ट भी दिया करते थे, उसको फ्री में खाना भी दिया करते थे। तो राजू को पसंद नहीं आता था कि लोग उसको कीमती चीज़ें गिफ्ट दिया करें। तो वो वैलेंस से कभी कभी कहता भी था कि वो एक ऑर्डिनरी इंसान है, एक ऑर्डिनरी मैन है और उसको इतने महंगे गिफ्ट नहीं दिए जाने चाहिए। अब क्या होता है कि मंगल गांव में काफ़ी दिन से बारिश नहीं होती है और वहाँ पर सूखा पड़ जाता है। इसी बीच गांव का एक दुकानदार और एक कस्टमर के बीच लड़ाई झगड़ा हो जाता है जिसमें वैलन भी बुरी तरीके से घायल हो जाता है। अब क्या होता है कि राजू जो होता है वो जो वैलन का हाफ विटेड ब्रदर है, एक मतलब मंद बुद्धि एक भाई है वैलन का, उससे राजू कह देता है कि वो तब तक खाना नहीं खाएगा जब तक ये लड़ाई ख़त्म नहीं हो जाती, मीन्स जब तक लड़ाई बंद नहीं हो जाती तब तक वो खाना नहीं खाएगा। अब वैलन का जो हाफ विटेड भाई होता है वो गांव वालों से ये कह देता है कि जब तक बारिश नहीं होगी, जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक स्वामी जी खाना नहीं खाएंगे। अब जब लोग राजू को महान, अब क्या होता है कि राजू को लोग और भी महान समझने लगते हैं और उनकी भक्ति राजू की तरफ और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब वो राजू को खाना देना भी बंद कर देते हैं। राजू के इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है कि वो क्या चल रहा है, उसके भाई ने क्या कहा है। और अब जैसे कि लड़ाई वहाँ पर ख़त्म हो चुकी है तो राजू कहता है कि वो कल खाना खा लेगा क्योंकि अब लड़ाई ख़त्म हो गई है। तब वैलन जो है वो राजू को बताता है कि उसके भाई ने गांव वालों से क्या कहा है। उसने कहा है कि जब तक वर्षा नहीं हो जाती तब तक राजू मीन्स उनका स्वामी वो खाना नहीं खाएगा, वो फास्ट करेगा मीन्स उपवास रखेगा। राजू वैलन से कहता है कि वो गांव में बारिश कैसे करवा सकता है क्योंकि वो एक ऑर्डिनरी मैन है, वो ऐसा नहीं करवा सकता। राजू वैलन को अपनी पूरी कहानी बताता है कि वो जेल कैसे गया था, वो जेल से जेल जाने की और जेल से बाहर आने की पूरी कहानी वैलन को सुना देता है। अब वैलन ये सब सारी कहानी सुनने के बाद बस इतना कहता है कि वो ये कहानी किसी और को नहीं बताएगा। अब राजू के व्रत की कथा बहुत दूर दूर तक फैल जाती है और मंगल गांव भी अब फेमस हो जाता है। मंगल विलेज को बहुत लोग जानने लगते हैं और दूर दूर से लोग वहाँ पर स्वामी जी के दर्शन के लिए आने लगते हैं। बट राजू जो है वो व्रत तोड़ना चाहता है लेकिन वो ऐसा कर भी नहीं सकता था क्योंकि वो सुबह से लेकर रात तक बहुत से लोगों से घिरा रहता है। वो वहाँ पर न्यूज़ रिपोर्टर भी आ जाते हैं और अब वो सुबह शाम लोगों से घिरा रहता है तो वो चाह करके भी अब खाना नहीं खा सकता है। और यहाँ पर देखते हैं कि न्यूज़ रिपोर्टर आते हैं तो राजू भी बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है। अब व्रत के 10वें दिन राजू की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और 11वें दिन राजू अपने पैरों पर खड़ा होता है और वो वैलन के सहारे तक नदी के पास जाता है और यहाँ पर राजू अपना सर ऊपर करके बोलता है कि मैं देख रहा हूँ कि बारिश पहाड़ियों पर हो रही है और या मैं इस बारिश को फील कर सकता हूँ, ये मेरे पैरों से टकरा रही है, बारिश जो है वो मेरे पैरों को टच कर रही है। ये कहकर राजू वहीं पर गिर जाता है और यहीं पर नॉवेल ख़त्म हो जाती है। राइटर ने यहाँ पर क्लियर नहीं किया है कि राजू वहाँ पर बेहोश होकर गिरता है या फिर वो मर जाता है और वहाँ पर बारिश उसके बाद होती है या नहीं होती है। यहाँ पर ये सब कुछ राइटर ने क्लियर नहीं किया है। सो ये हो गई आज की नॉवेल द गाइड। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है दोस्तों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आपको वीडियो की आने वाली सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।